फाइनली मेरे भाई की शादी आ चुकी थी और इवेंट की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और मेरे अंदर जो कीड़ा था ना नाचने वाला, वो मुझसे कह रहा था कि भाई मुझे खुला छोड़ो, तो उसको खुला छोड़ दिया गया। और मेहंदी हमने की थी बागपतन में और अरेंज किया था एक ग्राउंड में। ग्राउंड में इसलिए कि यहाँ पे कोई वक्त की बंदिश नहीं होती और डेकोर का सारा क्रेडिट जाता है लाड़ा साहब को। लाड़ा होने के साथ साथ ये तमाम काम मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है, तो फिर डेकोर मुलाहिजा फरमाइए। सबसे पहले तो आपके भाई ने सोचा कि फोटो शूट ही करा ले। 10 बज रहे हैं और तकरीबन 10 बजने वाले हैं और अभी तक इवेंट शुरू भी नहीं हुआ, अभी तक लोग आ रहे हैं, तो देखें क्या बनता है। और हमारे इस इवेंट की शुरुआत हुई मौसीकी से। फिर एंट्री होती है ढोल वालों की। ढोल वाले एक नहीं थे, दो नहीं थे, तीन नहीं थे, बल्कि पूरे 6 थे। तो इनका जलवा भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। और हमारे यहाँ ढोल वालों का इस्तकबाल हम करते हैं नाच के, ना के वो करते हैं हमारा। फिर हम और नाचे, इतना नाचे जितना नाचा जा सकता था। इतनी देर में टपके हैदर साहब और फिर हम पहुंचे घर लड़ा साहब को लेने के लिए। ऊपर लाड़ा साहब अपनी वाइबिंग में मसरूफ थे, तो नीचे हम पागलों की तरह डांस कर रहे थे। और फिर लाड़ा साहब को ज्वाइन किया आपके भाई ने। और फिर लाड़ा साहब को लाया गया नीचे। देखें जो दूल्हा है ना वो खुश मिजाज होना चाहिए, नहीं तो खड़ूस दूल्हे का क्या फायदा। जब ये अनार वगैरह चलते हैं ना, तो यकीन करें मजा ही दुबाला हो जाता है। हर बंदे ने नाचने गाने में पूरा पूरा हिस्सा डाला, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा।
नाचने गाने से जबरदस्ती बड़ों ने छुड़वाया, कहने लगे कि मेहंदी लानी है। और मेहंदी क्या होती है सिर्फ बर्गर्स को नहीं पता होगा, बाकी हर बंदे को पता होगा। और कुछ ही देर बाद ही आपके भाई की नाच नाच की हालत टाइट हो गई थी। और फिर बारी आई दाद का साइड की मेहंदी लाने के लिए। और ऐसा कैसा मुमकिन है कि हम खुद नाच रहे हैं और साथ में हम लाड़ा साहब को नाना चाहें। और मानो मैं उस दिन बहुत ज्यादा खुश था, इतना खुश था कि मैं आप लोगों को लफ्जों में बता नहीं सकता। हमें जबरदस्ती नाचने से रुकवाया गया तो बारी आई फोटोशूट की। फिर बारी आई मेहंदी लगाने की। बारी बारी हर बंदे ने मेहंदी लगाई। और जब मेरी बारी आई तो मेहंदी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पैसे फेंक के गुजारा कर लेता हूँ। और यकीन करे अपनी 24 साल जिंदगी में उस दिन पहली दफा मैंने अपने भाई को चूमा था। और उसके बाद हुई कुछ डांस परफॉर्मेंसेस। और डांस का जिक्र हो तो आप अपने भाई को कैसे माइनस कर सकते हैं भला। मानो इवेंट पूरी रात चलता रहा था। और अगर तमाम वीडियोस आप लोगों को दिखाई तो मानो व्लॉग लंबा हो जाएगा। आप लोग इसी से गुजारा कीजिए।
और उसके अलावा भाई को फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। और उसके अलावा अगर आप लोगों का दिल हो तो भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम है मेरा @saad.m786 और उसके अलावा सब्सक्राइब भी कर लें भाई को यूट्यूब पे, फ़ायदा हो जाएगा भाई को। तो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।